बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्टूडेंट्स, हम लोग रेप्टाइल्स पढ़ रहे हैं बेटे। तो अब हम आज देखेंगे एवोल्यूशनरी प्रेशर्स के कैसे डिफरेंट काइंड के एनवायरनमेंट जो है एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेशराइज करते हैं एनिमल को, और एनिमल जो है ना अपने डिफरेंट बॉडी फंक्शंस के अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट करता है। तो आपके पास एवोल्यूशनरी प्रेशर्स के अंदर हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग एडेप्टेशन शो करते हैं रेप्टाइल्स आपके पास टेरेस्ट्रियलिज्म के हवाले से, यानी बेस्ट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को हम कह सकते हैं इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। और अगर आप इनवर्टिब्रेट्स की बात करेंगे उसमें तो हमें पता है आर्थ्रोपोड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे हम चकवाला की, जो कि मोस्टली साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पाया जाता है। सोरोमेलस ओबिसस जो है इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। सर्वाइव करता है एक्सट्रीम समर्स के अंदर 40 डिग्री सेल्सियस तक भी, और एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस के अंदर भी सर्वाइव कर जाता है। और इसके अंदर हम इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, लाइक समर्स के अंदर ही कैसे सर्वाइव करेगा, विंटर्स के अंदर कैसे करेगा, और जो मीडियोकर रीजन आपके पास आ जाता है यानी कि बाहर वगैरह का, वहाँ पे कैसे सर्वाइव करेगा, और ये अपने आप को कवर कैसे करता है फ्रॉम प्रीडेटर्स। तो ये हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले देख लेते हैं लेट समर्स में जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से अबव हो जाता है और एरिड कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो आपके पास चकवालाज होते हैं वो इस हॉट ड्राई कंडीशंस के साथ सर्वाइव ऐसे करते हैं कि ये एस्टिवेट हो जाते हैं बिलो द ग्राउंड। और विंटर्स में टेम्परेचर तो नॉर्मलाइज हो जाता है, मॉडरेट हो जाता है, लेकिन रेन्स जो है ना बहुत ज़्यादा कम होती हैं जिसकी वजह से ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये डेजर्ट सरफेस में आपके पास अभी भी इसके लिए ज़िंदगी गुजारने के हालात नहीं होते चकवाला के लिए, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाता है समर स्लीप से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है इनटू द विंटर स्लीप। फिर ये बाहर कब निकलता है चकवाला जो है बाहर मार्च तक निकलेगा, मार्च में बारिशें अच्छी खासी होती हैं, सहरा में ग्रीनरी फूल से ही खूब निकल आते हैं। तो ये बाहर निकलता है, चलता फिरता है, खाता है पीता है, और जितना भी पानी स्टोर कर सकता है अपनी स्किन के नीचे बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में स्टोर कर लेता है। चकवाला जो है उसको आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता, इसको कहीं पे भी कोई चट्टान या रॉक वगैरह नजर आएगी, उसकी कुदराड़ वगैरह नजर आएगी, उसके अंदर ये घुस जाता है, ठीक है। और उसके बाद अपने लंग्स को डायलेट कर लेता है, इन्फ्लेट कर लेता है, फुला लेता है, इसकी वजह से इसकी बॉडी बहुत मोटी हो जाती है और ये उसकी कुदराड़ के बीच में फंस जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इसकी बॉडी स्केल्स जो है वो प्रोवाइड करती है, इसकी वजह से स्लिप नहीं होता, फिसलता नहीं है, उसके साथ अटैच रहता है। ये बताया जितनी मर्जी आप कोशिश कर लीजिए आप इसको इजीली डिसलॉज वहाँ से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो चकवाला को बेहतरीन ऑर्गेनिज्म बना देते हैं उसके एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के अकॉर्डिंगली। तो इसी तरीके से ये सिर्फ आपको चकवाला में नहीं मिलेगा बल्कि और भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके पास रेप्टाइल्स के, उसमें ये सारे करेक्टरिस्टिक्स आपको नजर आएंगे। तो पहले करेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं कि जैसे इन्फ्लुएंस हुआ एवोल्यूशनरी प्रेशर की वजह से। सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन को देख लेते हैं। आपके पास जितने भी एम्फीबियंस हैं उनकी जो स्किन होती है हमें पता है कि वो रिस्पायरेटरी फंक्शन परफॉर्म करती है, लेकिन यहाँ पर जो स्किन होती है वो रिस्पायरेटरी फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, ठीक है। इनकी स्किन जो होती है वो आपके पास थिक होगी, ड्राई होगी, क्रिटिनाइज होगी, स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं और स्केल मॉडिफाइड होते हैं फॉर वेरियस फंक्शंस। फॉर एग्जांपल अगर आप स्नेक्स की बात कर लेते हैं तो उनकी जो लार्ज पेट के जो होते हैं उनके जो स्केल्स जो लार्ज होते हैं बेली स्केल्स, वो उनको हेल्प करते हैं सबस्ट्रेट के साथ लोकोमोशन के अंदर, क्योंकि ज़मीन के ऊपर रेगुलर होकर चल रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, रींग रहे होते हैं, तो वो स्केल्स इनको मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। फिर इसके अलावा इसकी जो स्किन है वो ग्रैंडुलर नहीं होती एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एम्फीबियंस, कम ग्रैंडुलर होती है लेकिन होती है, ठीक है। तो ग्रैंडुलर जो एक्सक्रीशंस हैं उसमें आप देख लीजिए कि फेरोमोन्स होते हैं मोस्टली, जो कि सेक्स रिकॉग्निशन के लिए या डिफेंस मैकेनिज्म के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा आपके पास रेप्टाइल्स की जो स्किन होती है वो पीरियडिकली जो है ना आउटर जो एपिडर्मल लेयर होती है उसकी बात हो रही है स्किन में, वो शेड होती रहती है प्रोसेस ऑफ रेप्टाइसिस, जो कि आप लोगों ने इससे पहले आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी पढ़ा है। अब होता क्या है कि चूंकि ब्लड सप्लाई जो होती है वो स्किन के अंदर वो ज़्यादा डीपली जो है ना नहीं इतनी ज़्यादा होती है एपिडर्मल्स के अंदर, और आउटर एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं उनको जो ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो उनका कॉन्टैक्ट अलग होना शुरू हो जाता है बॉडी से, वो उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा आपके पास जो मूवमेंट होती है लिम्फ की वो इनर और आउटर एपिडर्मल के बीच में शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इसका कनेक्शन लूज़ होना शुरू हो जाता है बॉडी से। एक डायसिस मोस्टली जो है हेड रीजन से स्टार्ट होती है स्नेक्स और कुछ बड़ी लिजर्ड्स जो हैं, कुछ खास किस्म के लिजर्ड्स, उनके अंदर एक ही पीस के अंदर, यानी कि वो सांप उसमें से पूरा निकल जाएगा और पूरा उसका जो छिलका है जो पूरी इसकी बॉडी का पीस है वो एक ही पीस की शक्ल में बाहर निकल के आएगा। लेकिन कुछ और लिजर्ड्स ऐसी हैं जो छोटे जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर, उनके अंदर ये छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में जो है ना फ्लेक ऑफ उतरते, छिलके जैसे उतर रहे होते हैं उस तरीके से पैचेस की फॉर्म में उतरती है। तो दो तरह की होगी आपके पास। इसके अलावा आपके पास फ्रीक्वेंसी की कैसे कैसे होती है ये वेरी करती है फ्रॉम वन स्पीशी टू अनदर, और लेकिन अगर देखा जाए तो जुविनाइल्स ये यंग वंस होते हैं उनके अंदर क्योंकि ग्रोथ हो रही होती है तो उनके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको नजर आएगी एज़ कम्पेयर टू द एडल्ट्स। अब हम नेक्स्ट जिक्र कर लेते हैं क्रोमोफोर्स का। क्रोमोफोर्स जो होते हैं आपको पता है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्किन में प्रेजेंट होते हैं जैसे बिल्कुल डर्मिस के अंदर, ठीक है, डर्मल रीजन होते हैं और फंक्शन बिल्कुल सेम इनका है, जैसे एम्फीबियंस के अंदर फंक्शन है यहाँ पर भी सेम फंक्शन है। इनके अंदर क्रिप्टिक कलरेशन होती है, मिमिक्री होती है, एपोसिमेटिक कलरेशन आपको रेप्टाइल्स में मिलेगी। कलर जो चेंजेस होते हैं वो फंक्शन ऑल्सो मतलब उनका इनका फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है समझ लें आप सेक्स रेगुलेशन के अंदर और थर्मो रेगुलेशन के अंदर।
अब हम देख लेते हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट। अब जिस स्केलेटन को डिस्कस करते हैं बेटे, स्केलेटन जो आपके पास है स्नेक्स का, एम्फीसीबियंस का या फिर टर्टल्स का, वो आपने देखा था कल मॉडिफिकेशन थी इसमें काफ़ी हद तक, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि टर्टल्स के अंदर शेल था, ठीक है, और एम्फीसीबियंस के अंदर जो है ना वो लिम्स वगैरह नहीं थे, तो ये और उसका माउथ शोवल शेप था। और स्नैक्स के अंदर भी आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं कि बहुत ज़्यादा 200 तक वर्टिब्रीज उससे ज़्यादा तक चली गई थी और साथ में उतनी पेयर्स ऑफ थी रिब्स तो मूवमेंट वगैरह के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास ये जो सारी मॉडिफिकेशंस हैं ये हैं, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन अगर जनरल फॉर्म के अंदर डिस्कस किया जाए तो आपके पास रेप्टिलियन स्केलेटन जो है वो रीजन में इनहेरिट हुआ है एंशियंट एम्फीबियंस से, ठीक है। और इसके अंदर जो खास बात है, क्योंकि इसने सपोर्ट प्रोवाइड करनी थी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर ग्रेविटी के अगेंस्ट भी, तो इस ये ऑसिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो आपको ये काफ़ी ऑसिफाइड मिलेगा आपको बोन इसका एम्फीबियंस की निस्बत रेप्टाइल्स का। और स्कल की बात करें तो स्कल इसका थोड़ा सा लंबूतरा होता है एज़ कम्पेयर टू एम्फीबियंस, और इसके अंदर जो है ना एक प्लेट ऑफ द बोन मौजूद होती है जिसको हम सेकेंडरी पैलेट कहते हैं, जो कि सेपरेट करता है पार्शियली आपके पास नेजल पैसेजेस को फ्रॉम द माउथ। जी, तो इससे पहले बेटे आप देख चुके हैं कि आर्कियोसॉरिस के अंदर जो है ना पैलेट इवॉल्व हुआ था एज एडेप्टेशन के, जब वो पानी में हों, उनके मुँह में पानी हो या फिर कोई फूड वगैरह हो तो उस दौरान वो सांस ले सकें। लेकिन आपके पास ये बाकी रेप्टाइल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, और लेसर एक्सटेंट तक बेशक डेवलप होता है लेकिन होता ज़रूर है। और इसी वजह से ये आपके पास जो लॉन्गर स्नाउट्स हैं इनके, ठीक है, लंबे जो मुँह होते हैं स्नाउट्स या नॉस्ट्रल्स आप समझ लें, वो ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम की डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से ये सेंस ऑफ स्मेल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, रिलाई करते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ इसके स्केलेटन के बाकी पार्ट्स, लाइक हम सर्विकल वर्टिब्रीज का यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। इनके अंदर ज़्यादा सर्विकल वर्टिब्रीड्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू दी एम्फीबियंस, एम्फीबियंस की नस्बत ज़्यादा होती हैं। जो पहली दो होती हैं जिनको हम एटलस एंड एक्सेस कहते हैं, वो ज़्यादा हमें फ्रीडम प्रोवाइड करती हैं हेड को कि वो ईजिली मूव कर सके, जिसमें जो पहली होती है एटलस, ये सिर्फ सिंगल कोंडाइल, मैंने सुनी बताया था आपको एक कोंडाइल क्या होता है, सिंगल कंडाइल के ऊपर हेड के साथ अटैच होता है, जिसकी वजह से हेड को ये नोडिंग में हेल्प करता है, यानी हेड नोड कर सकता है, ऊपर नीचे सर हिला जुला सकते हैं ये। और इसके अलावा आपके पास जो सेकंड वर्टीब्रा दैट एक्सेस, वो मॉडिफाइड है आपके पास रोटेशनल मूवमेंट के लिए, ठीक है, गर्दन मोड़ के भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे सर हिला भी सकते हैं, तो स्कल की जो है ना रोटेशन इसमें बेसिकली बहुत अच्छी है। इसके अलावा वेरिएबल नंबर ऑफ सर्विकल वर्टीब्रा होती है इसके अंदर, जिस जो कि नेक को आपके पास फ्लेक्सीबिलिटी प्रोवाइड करती है। वह हम आ जाते हैं रिब्स की तरफ। रिब्स जो हैं आपके पास रेप्टाइल्स की, वो हाईली मॉडिफाइड होती हैं, ठीक है। टर्टल्स और फ्लाइंग ड्रैगन में तो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी कैसे होती है। टर्टल्स में आपने देखा था उसने शेल बना दिया था, ठीक है, और जो फ्लाइंग ड्रैगन उसका स्किन लग के, तो वो ग्लाइडिंग की मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहा था। इसके अलावा स्नेक्स की रिब्स जो होती हैं वो मस्कुलर कनेक्शन के साथ अटैच होती हैं बैली मसल के साथ, और वो उसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि आपको पता है इनके अंदर कोई भी अपेंडेजेस मौजूद नहीं होते हैं। सर्विकल वर्टीब्रीज कोबरा के अंदर जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं जब वो एग्रेसिव होता है। आपने देखा ना कोबरा फन जो फैला लेता है, वो जो फन एक्चुअली क्या है आपके पास, वो सर्विकल वर्टीब्रीज हैं जो कि आपके पास फ्लेयर्ड हो जाती हैं एग्रेसिव डिस्प्ले के दौरान। अच्छा जी, इसके अलावा अब हम देख लेते हैं सैक्रल वर्टीब्रीज। सैक्रल वर्टीब्रीज जो हैं आपके पास वो अटैच करती हैं पेल्विक गर्डल को वर्टीब्रल कॉलम के साथ, ठीक है, ये दो या दो से ज़्यादा हो सकती हैं। और जो कॉडल वर्टीब्रीज हैं आपके पास, वो बहुत सारे लिजर्ड्स के अंदर, उनके अंदर खास किस्म की एक फ्रैक्चर प्लेन, वर्टिकल फ्रैक्चर प्लेन मौजूद होता है। जैसे ही छिपकली की दुम कहीं फंस जाती है या इसको कोई पकड़ लेता है, तो क्या करती है, अपनी दुम डिटैच कर देती है। आपने पढ़ा था ना रीजनरेशन में भी, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कोई प्लास्टिक की दुम बनी हुई दुम नहीं है उसकी, किसकी बनी हुई है, बीच में वर्टिब्रल कॉलम है ना पूरा उसकी दुम के अंदर, तो आपके पास जो वर्टिब्रा है कॉर्डल यानी टेल वर्टिब्रा, वहाँ पे आपके पास वर्टिकल फ्रैक्चर प्लेन होता है। जैसे ही लिजर्ड जो है ना उसकी टेल फंस जाती है कहीं पे, तो वो कॉर्डल वर्टिब्री जो है ना वहाँ से टूट जाता है, ब्रोक हो जाता है, जिसकी वजह से टेल जो है ना अलग हो जाती है। और ये जो प्रोसेस है इसको हम ऑटोटोमी कहते हैं, ठीक है, और ये अडेप्टेशन है लिजर्ड्स में ताकि वो एस्केप कर जाएँ प्रेडेटर्स की ग्रैस्प की वजह से। और इसके अलावा जब टेल निकल जाती है तो टेल भी उसके अंदर जब तक एटीवी मौजूद है तो वो रिगल करेगी, ठीक है, तड़पेगी जैसे होता है। तो वो उससे दो फायदे होते हैं, एक तो ये है कि टेल लग अलग तो हो गई ना, एक तो ये फ़ायदा हो गया, टेल रिगल करने का ये फ़ायदा होता है कि आपके पास जो प्रेडेटर होता है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, वो हिलती भी होती है तो उसकी तरफ भागना शुरू जाता है, और छिपकली इस दौरान प्रेडेटर से बच के भाग जाती है, ठीक है। और
लेटर ऑन जो है ना वो रीजनरेशन की एबिलिटी तो होती है लिजर्स में, आपको पता है वो टेल रीजनरेट कर लेती हैं जो पार्ट टूटा था। अब हम लोकोमोशन की तरफ आते हैं बेटे। लोकोमोशन जो प्रिमिटिव रेप्टाइल्स में है वो बिल्कुल सिमिलर है सेलेमेंडर्स की तरह। अब बॉडी जो होती है वो लटकी भी होती है, झूल रही होती है, दो जो पेयर्ड स्टॉक यानी बिल्कुल बॉडी से अटैच अपेंडेजेस होते हैं उसके साथ लेटरली, और लेकिन मूवमेंट इसकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है। अब लिम्स की अगर हम बात करें तो ये आपके पास ज़्यादा इलॉन्गेटेड होते हैं, दूसरे रेप्टाइल्स की बात हो रही है प्रिमिटिव की नहीं, दूसरे रेप्टाइल्स के लिम्स ज़्यादा इलॉन्गेटेड और सिलिंड्रिकल होते हैं और बॉडी से क्लोजर हेल्ड होते हैं। नी और एल्बो जॉइंट्स जो होते हैं वो उसको रोटेट करते हैं पोस्टीरियरली, ठीक है, और इसी वजह से बॉडी जो है ना आपके पास वो हायर होती है, ग्राउंड से ऊपर आ जाती है और वजन जो है वो उसका वर्टिकली सपोर्ट हो जाता है। अब अगर हम पुराने प्री हिस्टोरिक वर्टिब्रेट्स की रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो वो बायपेडल होते हैं, ये दो टांगों पे चलते हैं, उनकी जो हाइंड लेंथ पे चलेंगे उनकी जो दुम होती है वो आपके पास हैवी होती है जो उसके बैलेंस आउट करने में हेल्प करती है और पेल्विस उसका नैरो होता है। बायपेडल लोकोमोशन जो है उसकी वजह से दो अगले वाले जो हाथ हैं फ्रंट के अपेंडेजेस वो उनके फारिग हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो इजीली प्रे को भी कैप्चर कर सकेंगे और उड़ने के काम में भी यूज़ हो जाएंगे, जो लेटर ऑन आपने आर्कियोटेरिक्स में बर्ड्स वगैरह में पढ़ा था। अब हम आ जाते हैं इसके न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। ज़्यादातर रेप्टाइल्स कार्निवोर्स होते हैं, लेकिन आपने देखा है कि टर्टल्स वगैरह जो है तकरीबन हर एक चीज़ जो ऑर्गेनिक होती है वो खा सकते हैं। टंग्स जो होती हैं वो अगर उसका जिक्र किया जाए टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स का, वो नॉन फूड रिसीवेबल होती है, जबान बाहर नहीं निकाल सकते, सिर्फ स्वेल्विंग में हेल्प होती है। बहुत से एन्यूरन्स जैसे आपने फ्रॉग्स वगैरह को देखा था उनकी उनकी जो टंग होती है बहुत लंबी सी होती है, बाहर फूड रिसीवेबल होती है, तो सेम लाइक दैट बहुत सारे लिजर्स और टॉर्टूरास के अंदर भी स्टिकी टंग्स यानी चिपचिपी जो है टंग मौजूद होती है, और बहुत सारे प्रोट्रूसिबल टंग भी रखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, जैसे आपने कल देखा था कैमेलियन के अंदर। तो कैमेलियन जो हैं वो अपनी बॉडी से काफ़ी गुना ज़्यादा जो है ना समटम की बॉडी और सबसे उनकी बॉडी से ज़्यादा जो है ना अपनी लेंथ जितनी जबान रखते हैं एक्सटेंशन उसकी। अब हम देख लेते हैं कुछ अडेप्टेशंस स्नैक्स के अंदर। स्नैक्स का जो आपके पास स्कल है वो आपके पास फीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा हाईली मॉडिफाइड है। इसकी जो बोन्स एंड स्कल की वो बहुत लूजली जॉइंट होती हैं जिसकी वजह से वो स्प्रेड कर जाती हैं ईजीली, और बड़े से बड़ा शिकार भी अपने सर के साइज से बड़े जितना शिकार भी वो इजीली ग्रैस कर लेते हैं। होता क्या है कि इसकी जो बोन्स होती हैं अपर जॉ की वो मूवेबल होती हैं, ठीक है, उस स्कल तक, और जो लिगामेंट्स होते हैं वो लूजली अटैच करते हैं दोनों हाफ्स, अपर और लोअर जॉ के दोनों हाफ्स को, यानी कि चार हिस्सों में आप समझ लें, ऊपर वाला जॉ जो उसकी दो बोन्स अलग अलग, नीचे वाले जॉज की दो बोन अलग अलग, वो चारों इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से, और ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं ईजीली, ठीक है, जिसकी वजह से वो इजीली बड़े से बड़ा शिकार भी खा सकते हैं। अब होता क्या है कि ईच वन हाफ जो है अपर और लोअर जॉ का वो मूव इंडिपेंडेंट होता है, मूवमेंट उसकी इंडिपेंडेंट होती है, जिसकी वजह से वो प्रे को कैप्चर कर सकते हैं अपोजिट साइड की डायरेक्शन के अंदर, यानी अपोजिट साइड, और जो फॉर एग्जांपल एक अपर जॉ है उसका हाफ पार्ट है और जो लोअर जॉ है उसका हाफ पार्ट है, जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो आपके पास एक अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे और थ्रस्ट प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से थ्रस्ट प्रोड्यूस होगी, फॉरवर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस होगी और रिट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से वो निगल लेगा आराम से उसको। पोस्टीरियरली जो पॉइंटिंग टीथ की बात करते हैं, पोस्टीरियरली पॉइंटिंग होते हैं टीथ जो कि दो चीज़ों में हेल्प करते हैं, एक तो शिकार को भागने से रोकते हैं, दूसरा फोर्स प्रोवाइड करते हैं एसिफस की तरफ ताकि वो वापस जाए वहाँ पे। और ग्लॉटिस जो इसमें होता है, जो आपको पता है रिस्पायरेटरी ओपनिंग है, वो आपके पास बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड होता है, बहुत आगे की तरफ होता है, जिसकी वजह से स्नैक जब आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्वेलो कर रहा होता है प्रे को, उस दौरान उसका सांस बंद नहीं होता क्योंकि ग्लॉटिस की ओपनिंग बहुत ज़्यादा पहले लोकेटेड होती है। इस फिगर के अंदर बेटे आप अच्छे से देख सकते हैं कि आपके पास ए फिगर में आप देख रहे हैं कि एक माउस को स्वेलो कर रहा है, ठीक है, और उसमें आप देख रहे हैं इसका माउस से ही चौड़ा होकर खुला हुआ है, ठीक है, इजीली इसको ग्रैस्प कर पा रहा है। और यहाँ फिगर जो आपके पास सी फिगर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर बी और सी, बी में आपको स्कल दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इसमें आपको मैक्सिलरी बोन और फैंग दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखा देते हैं जी, ये मैक्सिलरी बोन ये आप देख सकते हैं, और ये आपको फैंग दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटे सी के अंदर, ये आप देख सकते हैं कि ये एक पार्ट इसका ऊपर वाला अपर वाला है, और यहाँ पे आप देखें ये लोअर पार्ट, और ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, ऐसे ही सेम अपर में एक ही सामने नजर आ रहा है और एक आपको यहाँ पे बैक साइड पे दिखाई देगा इधर पीछे, ठीक है, तो ये इसको इसके माउथ की ओपनिंग को हेल्प करते हैं। और ये आपने फैंग्स और टीथ देखे हैं, ये आपको अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे होते मतलब होते हैं पोस्टीरियरली, ताकि वो उसको इजीली, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना फूड अपना ले रहा है तो वो इजीली ग्रैस्प कर रहा है। यहाँ पे देखें ये एक साइड पे डायरेक्शन मूव किया है इसका जबड़ा,
यहाँ से ये दूसरी साइड में मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से इसमें काफ़ी बड़ी जो है ना अमाउंट में माउथ को खोल सकता है, इसकी वजह से फूड ईजीली कैप्चर कर सकता है जी। तो अब देख लेते हैं बेटे नेक्स्ट आगे मजीद मॉडिफिकेशन, जैसे कि फैंग्स का जिक्र कर लेते हैं। तो फैंग्स अब मैं डिफरेंट आपको बताऊंगी कि डिफरेंट स्नैक्स के अंदर फैंग्स किस तरीके से मौजूद होते हैं। अब फैंग्स जो होते हैं वाइपर्स के अंदर बात करें, फैमिली वाइपरिडी, ठीक है, उसके अंदर जो वाइपर स्नैक्स होते हैं उनके अंदर जो फैंग्स होते हैं वो हॉलो होते हैं और मैक्सिलरी बोन जो इंटीरियर मार्जिन के ऊपर होती है अपर जॉ के साथ वहाँ पर लोकेटेड होते हैं। फैंग्स जो हैं आपके पास ये कनेक्ट करते हैं वेनम ग्लैंड्स को जो कि इंजेक्ट करते हैं वेनम यानी जहर वगैरह जब वाइपर स्नेक बाइट करता है तो, ठीक है, फैंग्स का बेसिक काम ये होता है। अब जो मैक्सिलरी बोन होती है जो अपर जॉ में होती है, ठीक है, वाइपर्स के अंदर ये हिंज जो होती है ताकि जो स्नैक्स का जो माउथ है वो क्लोज हो जाए तो फैंग फोल्ड हो जाए, ठीक है, अपर जॉ के अंदर, और जैसे ही माउथ उनका ओपन होता है तो मैक्सिलरी बोन जो है रोटेट करती है और जिसकी वजह से फैंग भी जो है ना वो दोबारा से स्विंग डाउन झूलने लग पड़ता है नीचे। और चूंकि फैंग्स जो हैं वो प्रोजेक्ट होते हैं आउटवर्ड्स फ्रॉम द माउथ तो इस वजह से वाइपर किसी भी साइज़ के ऑब्जेक्ट को जो है ना वो स्ट्राइक कर सकते हैं। अब कुछ के अंदर आपके पास फैंग्स जो हैं वो कुछ स्नैक्स के अंदर टोटली डिफरेंट होते हैं, वो किस तरीके से, जैसे आप यहाँ पे देख सकें, यू तो ऊपर अपने वाइपरिडी में देखा था वाइपर्स के अंदर। अब कुछ ऐसे रियर फैंग स्नैक्स होते हैं जैसे आपके पास कोलोब्राइडी फैमिली है, इसके अंदर आपके पास ग्रूव्ड रियर टीथ होते हैं, ठीक है, ग्रूव्ड रियर टीथ। अब ये क्या होते हैं, इनके अंदर से जो कुछ विनमस स्नैक्स होते हैं यानी जिनको जो विनम एक्सक्रीट आउट करते हैं तो वो स्नैक्स विनोमस स्नैक्स के अंदर वेनम जो है ना वो चैनल्स की फॉर्म में इन ग्रूव्स के अंदर मौजूद होता है, जिसके बाद जब स्वेलो कर रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म को ये वाले स्नैक तो उस दौरान ड्यूरिंग स्वेलविंग क्योंकि ऑर्गेनिज्म या प्रे जो उनका है वो मूव करेगा उसको शांत कराने के लिए, चुप कराने के लिए या उसको साइलेंट कराने के लिए, क्वाइट कराने के लिए क्या करते हैं इसके अंदर जो है ना वो वेनम जो है ना उन ग्रूव्स के अंदर से एंटर करवा दिया जाता है, ठीक है। और मोस्टली ये स्ट्राइक नहीं करते हैं और ये हार्मलेस होते हैं ह्यूमंस के लिए, लेकिन आपके पास इन्हीं में से एक अफ्रीकन आपके पास बूम स्लैंग है दैट इज़ वेरी मच डेंजरस फॉर ह्यूमंस, इट हैज़ कॉज्ड मैनी ह्यूमन फैटेलिटीज़। अब हम नेक्स्ट जिक्र कर लेते हैं, दैट इज़ दी कोरल स्नैक्स, सी स्नैक्स या कोबराज, ये एक अलग कैटेगरी है। इसके अंदर फैंग कैसा होता है, इसके अंदर फैंग जो होता है बेटे आपके पास अटैच होता है अपर जॉ के साथ जो कि इरेक्ट पोजीशन में होता है, बिल्कुल सीधी पोजीशन में। अब माउथ जब क्लोज होता है तो फैंग्स जो होते हैं वो फिट हो जाते हैं इन टू द पॉकेट, इनका जो लोअर जबड़ा होता है उसके गम उसके अंदर एक पॉकेट सी होती है जिसके अंदर ये आपके पास टीथ इनक्लोज हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसे मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, ठीक है, तो आपके पास माउथ की क्लोजर की वजह से आपके पास ये लोअर जॉ के अंदर फिट इन हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपके पास माउथ ओपन होता है तो फिर ये बाहर दोबारा से निकल आते हैं। और अच्छा, अब एक और चीज़ आपको यहाँ बतानी इंपॉर्टेंट है कि ये आपके पास ग्रूव्ड होते हैं या हॉलो भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से हो सकते हैं। और इसमें जो मसल्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कि वेनम ग्लैंड्स को इंजेक्ट करते हैं फैंग्स के अंदर। अच्छा, इसके अंदर कुछ कोबराज ऐसे होते हैं जो थूक सकते हैं, स्पिट कर सकते हैं, यानी वो जहर अपना थूकते हैं अपनी प्रे के ऊपर, और अगर आइज़ के ऊपर मतलब वो थूक दें जहर तो अगर वो ना वॉश की जाएँ तो ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। अब कुछ जिक्र कर लेते हैं वेनमस ग्लैंड्स का या वेनम ग्लैंड्स का, ये आपके पास बेसिकली मॉडिफिकेशन है सलेवरी ग्लैंड्स की। और आपके पास जो मोस्टली जो आपके पास वेनम्स होते हैं वो मिक्सचर होते हैं या तो न्यूरोटॉक्सिन्स का या हीमोटॉक्सिन्स का, न्यूरोटॉक्सिन यानी कि वो आपके पास नर्वस सिस्टम को अटैक करेंगे और हीमोटॉक्सिन यानी ब्लड को अटैक करेंगे। अब आपके पास जो वेनम्स होते हैं कोरल स्नैक्स के, कोबराज के, सी स्नैक्स वगैरह के, ये आपके पास बेटे न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं और दूसरे हीमोटॉक्सिन्स का जिक्र करते हैं जो कि वाइपर्स में होते हैं। तो आपके पास कोरल स्नैक्स हो गए, कोबराज और सी स्नैक्स के अंदर जो न्यूरोटॉक्सिन्स हैं ये अफेक्ट करते हैं आपके पास रेस्पायरेटरी पैरालिसिस। और आपके पास ये बेसिकली रेस्पायरेटरी पैरालिसिस कैसे होता है, ये ब्रेन के उन हिस्सों में उन नर्व सेंटर्स के ऊपर एक्ट करते हैं जो कि आपके पास रिस्पायरेशन को कंट्रोल करते हैं, इसकी वजह से जब इंसान सांस ही ले पाएगा तो ओवरऑल डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट जो है आपके पास हीमोटॉक्सिन जो कि प्रेजेंट होते हैं मोस्टली वाइपर्स के अंदर, वहाँ क्या होता है क्योंकि नाम से जा रहे हैं हीमोटॉक्सिन, तो ये आपके पास ब्लड सेल्स को तोड़ते हैं और साथ में ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये दोनों किस्म के वेनम्स जो है ना स्नैक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
जी बेटे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर आपको 28.25 फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको कोबरा दिखाई दे रहा है। और मैंने अभी आपको बताया था कि कोबरा जब एग्रेसिव हालत में होता है तो उसकी जो आपके पास मौजूद होती हैं रिब्स, सॉरी वर्टिब्रीज जो सर्वाइकल होती हैं कुछ, तो वो आपके पास एक्सपैंड कर जाती हैं। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं जी। यहाँ पे बेटे आप और फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे हेड ऑफ रैटल स्नेक शो किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसका वेनम अपरेटस शो किया हुआ है, फैंग आपको नजर आ रहा होगा, डिस्चार्ज ओरिफाइस, देन आपको यहाँ पे वेनम ग्लैंड नजर आएगा और वेनम डक्ट नजर आएगी। अब होता क्या है, इसका वेनम प्रोड्यूस होता है वेनम ग्लैंड के अंदर, न्यूरोटॉक्सिन जैसे बताया था, डिफरेंट स्नेक्स के अंदर डिफरेंट तरह का प्रोड्यूस होता है। यहाँ से फिर ये मूव करता हुआ जाएगा वेनम डक्ट के जरिए और फिर उसके बाद ये जाएगा आपके पास इन द फैंग और वहाँ से डिस्चार्ज ओरिफाइस से ये बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा ड्यूरिंग द बाइट वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लॉटिस आप देख सकते हैं बेटे, ग्लॉटिस ने बताया था कि बहुत ही अलग सिचुएशन में लोकेटेड होता है, बिल्कुल आउटसाइड, यहाँ से इजीली ये सांस ले सकता है और स्वेलिंग के दौरान इसका सांस बंद नहीं होता। तो देट वॉज ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मजीद एवोल्यूशनरी प्रेशर्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।